सर फाड़के आइकॉन अवार्ड जो रखा है पुलिस वालों के लिए, उसके लिए मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद अदा करती हूँ, क्योंकि पुलिस बहुत काम करती है, सरा तो कोई नहीं, मगर लास्ट ईयर से इन्होंने जो अवार्ड देना शुरू किया है वो बहुत बहुत गौरवास्पद और अभिनंदनीय है, और हमारा पुलिस वालों का हौसला बढ़ता है, और बहुत उन्होंने हमारा लास्ट ईयर से हौसला बढ़ाया है। कोविड में भी हमारे पुलिस वालों ने बहुत सारे काम किए थे, और 26/11 का भी एग्जाम्पल आपके पास है, उसको सराहना ये बहुत बड़ी बात है, और जाना जी ने वो पहल जो की है बहुत अच्छी की है, उनका मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और हमारा छोटा भाई कल्याण जी जाना, जो बहुत पॉपुलर शोज़ करता है, उसको शुभकामनाएं देने मैं यहाँ पर आया। हमेशा ही लगभग 15 साल से उसके अलग अलग प्रोग्राम में मुंबई से लेके दुबई तक आई हैव बीन ऑलवेज बीन देयर। माय वेल विशेज ऑन बिहाफ टू हुम, मैं जिन जिन लोगों का नेतृत्व करता हूँ, ऐसे देश के लगभग 7 लाख से अधिक कामगारों की तरफ से कल्याण जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और इसी तरीके से आगे वो प्रोग्रेस करते रहे। थैंक यू। वो मैं, मेरी क्लियर हो चुकी है नाम, नाउ बैक टू वर्क। सो वो ही अवार्ड है। कल्याण जी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है मुझे उनके बारे में। अभी फ़िलहाल मैं वापस, एक और म्यूज़िक वीडियो आ रहा है, जिसमें लास्ट म्यूज़िक वीडियो आया था रजनीश दुग्गल के साथ। नाउ आई विल बी अगेन डूइंग अनदर म्यूज़िक वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली बड़े म्यूज़िक लेवल पे होगा। लास्ट टाइम तो मैंने किया था पेनोरमा के साथ, बट लेट्स सी। और एक शॉर्ट फिल्म रेडी है जो रिलीज़ पर है। आप क्या पूछना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। बनते हैं जो NTV में आता है, और इतना बड़ा भीमराव जी हमारे देश के आइकॉन है, अथर्व वो भी आया हुआ है जो मेन भीमराव का प्ले करता है, और मैं एक राजा साहब मंत्री जो बड़ौदा के राजा थे सयाजी महाराज, तो उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमारा वो सीरियल भी चल रहा है भीमराव अंबेडकर, और अभी शायद तारक मेहता में मैं दोबारा आऊँगा। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर। और मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, नवाज़ भाई के साथ किया है, और ताल में मैंने सुष्मिता जी के साथ किया है, और कन्नड़ा मूवीज़ मैंने 4-5 फिल्में की हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। दादा साहब एक आइकन है हमारी इंडस्ट्री के, और उनके नाम से जो अवार्ड्स है वो वैसे भी आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं यहाँ आई हूँ, एंड यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। आज आपका अवार्ड मिला जा रहा है, किस अवार्ड तो मिल रहा है? मैं मराठी बिग बॉस मैंने किया था, तो उस बेसिस पे मुझे ये अवार्ड मिला। शो को बहुत पसंद किया जा रहा है, आपके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? टॉप रेटिंग है आपके शो को लेकर, क्या कहना चाहोगे? शो को लेकर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो नीरजा बना है वो बहुत ही इमोशनल बेसिस पे बना है, राइटिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक, तो उसकी जब डिलीवरी हो रही है और ऑडियंस उसको इतना पसंद कर रही है, तो ये मेरे लिए भी एक बहुत ही अच्छी बात है, और हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे क्रू की मेहनत उसके पीछे है। आज अवार्ड मिलेगा आपको, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? यूविल बी गोइंग टू गिव एन अवार्ड दादा साहब फाल्के, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? और फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करते हो कि बेस्ट एक्टर का भी आपको अवार्ड मिलेगा? मैं ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स क्लाइम करना पसंद करती हूँ, तो मुझे लगता है ये और एक ऐसी स्टेप है जो मैं क्लाइम करके ऊपर चढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। ऊपर दिखाई नजर आता है ये, ओ गॉड, ये किसी भी एक्टर के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत मायने रखता है। दादा साहेब फाल्के जी हमारे इंडियन सिनेमा के फादर हैं,
तो किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत बड़ा रिकग्निशन है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने आप को इस लायक का कलाकार बना पाई कि मुझे ये अवार्ड मिला है। एंड बस बहुत खुशी हो रही है बिकॉज इतना मेहनत करते हैं हम, सो उस मेहनत को ऐसे रिकग्निशन उस अवार्ड को ऐसे मिलना बहुत खुशी की बात होती है। उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं नहीं रहा भलाई का ज़माना, कि लोग कहते हैं नहीं रहा भलाई का ज़माना, नेकी कर दरिया में है डालना, बट एक ऐसा इंसान जो खुद नेकी का दरिया, नाम जिसका कल्याण जी जाना। जी मेरा नया प्रोजेक्ट एक्चुअली अभी चल रहा है जो रिलीज़ हो रहा है धीरे धीरे, बट इट्स कॉल्ड, पूरी सीरीज है टीम्स वर्ल्ड जो रिलीज़ हो रही है। सो उनके थोड़े एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं, थोड़े हम शूट कर रहे हैं। सो वो है, एक फिल्म है लाइनअप में जिसकी बातें चल रही है, एंड एक दूसरा प्रोजेक्ट है वेब सीरीज़ का जिसका पेपर वर्क बचा है, बट सून वील गो ऑन सेट। सो होपफुली ऐसे ही हम काम करते रहे एंड ऐसे ही सारे फैंस और आप लोग सब इतना ही प्यार करते रहे एंड ऐसे ही हमारे टैलेंट को रिकग्नाइज किया जाए। सो या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मैंने जैसे पहले भी बोला ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज सारे जो अवार्ड्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, बट ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम पे है ये अवार्ड। सो बहुत बड़ी बात है। सो बस अब जल्दी जल्दी ऑस्कर भी मिल जाए। थैंक यू। पेरेंट्स को तो बहुत प्राउड फील हो रहा है ऑफकोर्स, आई थिंक मुझसे ज़्यादा खुश और एक्साइटेड वो लोग हैं ऑफकोर्स, खुद की बच्ची को दे सपोर्ट मी अ लॉट, वो मेरा बैकबोन है, वो मेरा सपोर्ट है, वो सब कुछ है, वो है तो मैं हूँ, वो इतना सपोर्ट करते हैं तो मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। एंड मैंने जो कुछ भी सीखा है, मेड बी फॉर एक्टिंग, कैसे कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को, सब उनसे सीखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो इतने प्राउड होते हैं, जब खुश हो के एक्साइटमेंट में वो बोलते हैं कि अरे नहीं मेकअप अच्छा होना चाहिए, कपड़े ये होने चाहिए, वहाँ पर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके पेरेंट्स आपसे इतना प्राउड फील करवाते हैं। आई थिंक हर बच्चे का सपना होता है कि उनके पेरेंट्स के मुंह पे वो स्माइल हो, वो खुशी हो उनके लिए। सो या थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं अथर्व करवे। दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड मुझे मिला है, बहुत खुशी हो रही है। अभी मैं जो शो कर रहा हूँ एन टी वी पर, एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये बायोपिक है और उसी के लिए बेस्ट एक्टर नॉन फिक्शन का ये अवार्ड मुझे मिल रहा है। आपको शो को बहुत प्यार मिल रहा है, शो के बारे में बताओ। 4 साल से चल रहा है, अभी मैं 2 साल से कर रहा हूँ। ये सबने सही कहा, बहुत प्यार मिल रहा है साउथ में, नॉर्थ में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि किरदार ही इतना बड़ा है बाबा साहब का, और ये अवार्ड मिल रहा है इसकी ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि शो के लिए जो भी आज तक अवार्ड मिले हैं वो काफ़ी स्पेशल रहे मेरे लिए, और ये ज़्यादा स्पेशल रहेगा क्योंकि ये दादा साहब फाल्के के नाम से दिया जा रहा है। दादा साहब फाल्के जी के ऊपर एक बायोपिक बनी थी 2009 में मराठी में, जिसका नाम था हरिश्चंद्राजी फैक्ट्री। हमारे देश की वो ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री थी उस साल में, और उस फिल्म में मैंने दादा साहब फाल्के जी के बेटे का, महादेव का कैरेक्टर किया था। तो ऐसा एक स्पेशल कनेक्शन है क्योंकि मैं मराठी बैकग्राउंड से हूँ। सो यस, कल्याण जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे चुना इस अवार्ड के लिए। एंड अभी तो फिलहाल 2 साल से मेरा एक ही शो चल रहा है और आगे भी शायद और 2 साल वही शो चलता रहेगा, क्योंकि ऑडियंस का प्यार इतना मिल रहा है कि उससे फुर्सत ही नहीं मिल रही है। लेकिन मैं ज़रूर थिएटर करना चाहूँगा अभी फ्री टाइम में, या फिर और किसी प्रोजेक्ट में आपको ज़रूर देखूंगा। थैंक्स। मुझे वेब सीरीज़ की कैटेगरी में मिल रहा है एक अवार्ड, मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरा 3रा दादा साहेब फाल्के अवार्ड होने वाला है, और जी हाँ, मतलब 6-7 साल हो गए टीवी छोड़े और उसके बाद वेब शोज़ करने शुरू किए, फिल्म करनी शुरू करी, और अब उसमें अवार्ड मिला तो बहुत खुश हूँ मैं।
कौन से वेब जिसके काम को सराहना दे रहे हैं? मेरे एक्चुअली दो शोज़ बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं अभी. उसका नाम है क्लास ऑफ 2020, जिसका सेकंड सीज़न भी आ रहा है, और एक और है जो Z5 पे आया था. और मेरे तीन शोज़ अभी रिलीज़ होने वाले हैं इसी साल. बहुत ही बड़ा अवार्ड है ये. आई थिंक ये मेरा तीसरा अवार्ड है, तो बहुत खुशी की बात है जब दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए कॉल आता है. तो आई थिंक सबसे ज़्यादा पॉपुलर अवार्ड यही है पूरे इंडिया में, और सबसे ज़्यादा जिसकी मान्यता है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. मानित किया गया आपको, क्या बोलना चाहता, किस कैटेगरी का अवार्ड मिला? मुझे फाइटर डीवा की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है. बिकॉज जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर मुझे कैंसर हुआ था, और वो मैंने एक साल में बीट कर लिया. आई एम बैक टू नॉर्मल, और अब मैं वापस आपको स्क्रीन पे दिखूंगी, आपको एंटरटेन करूंगी. आपके संस्था के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रहे हैं. Cancer needs to be detected early. Suddenly मुझे लगा था कि अब करियर फिनिश, अब कुछ नहीं कर पाऊंगी. पर जैसे हमारी इंडस्ट्री में और भी कैंसर से फाइट कर चुके हैं, जैसे कि सोनाली बेंद्रे, महिमा चौधरी, वो भी वापस फील्ड में आए. फिर से उन्होंने अपनी जंग शुरू की, फिर से उन्होंने खेला. सो मैंने भी उन लोगों को अपना इंस्पिरेशन माना, और एक साल मतलब इट्स अ बिग टाइम जो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी. सिर्फ डिप्रेशन था बहुत सारा, और मेरे अपने थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आउट ऑफ कैंसर, बैक टू नॉर्मल. इनफैक्ट मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ कि मैंने इतनी बड़ी डिजीज को डिफीट किया, और मैं आज आपके सामने. हाँ, मेरी एक म्यूज़िक वीडियो आने वाली है, एक शॉर्ट फिल्म रेडी है. सो जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल्स. थैंक यू. आप बहुत फेमस हो. प्यार दिया है एंड माय फैमिली फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. सो थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली हैप्पी. कल्याण जी को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहूँगी. जैसे कि मैंने कहा कि मेरा पहला अवार्ड है, एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड्स को, सारे ऑर्गेनाइजेशन को वेरी बिग थैंक यू. मैम आप पूछना चाहते हैं किस सम्मान के पूरे शो के लिए क्या सिंगल कैटेगरी? मुझे राइजिंग टैलेंट ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया है, क्योंकि मुझ में पोटेंशियल दिखा होगा जैसे मैं प्रोजेक्ट्स करते जा रही हूँ. सो इसलिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मेरी मूवी आ रही है तापसी पन्नू के साथ, और मेरी वेब सीरीज आ रही है सौरभ राज जैन एंड श्वेता तिवारी के साथ, और एक और बहुत जल्द हम मूवी टीवी पे देखेंगे, इसके बारे में मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी.
इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड्स और मुझे ये वेब शो की स्पेस में पहला अवार्ड मिला है जो कि मैं बहुत खुश हूँ. द बेस्ट पॉपुलर फेस ऑफ वेब शो इंडस्ट्री, सो आई फील प्रिविलेज, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू दैट. एक अवार्ड आपको जो मिलता है, क्या आपको अवार्ड मिलने के बाद तो बस और मेहनत करने का मन करता है. ऐसा लगता है कि हम और मेहनत से काम करें और ताकि और अवार्ड्स मिलें और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन करता है. जैसे कि पहले टीवी करता था, फिर रियलिटी शोज़ किए, फिर वेब शोज़, फिल्म्स करी, म्यूज़िक एल्बम्स करी. तो आई थिंक सब चीज़ें करने का मन करता है और आगे बढ़ने का मन करता है. आप इस बिग बॉस में गए हो, आप बिग बॉस कितना फॉलो करें, कौन आपको फेवरेट कंटेस्टेंट है? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली बार ऐसा है कि पता नहीं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा बिग बॉस से. लेकिन आई थिंक जो मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते रहता हूँ वो सब चीज़ें वायरल होती है. विक्की भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे मेरे वो फेवरेट है. तो क्या लग रहा है, आप बराबर खेल रहे हैं? एडवाइस आपकी तरफ से, अपनी एडवाइस एक्चुअली अंदर किसी को किस का ये कि जस्ट बी रियल, जैसे हो वैसे ही रहो. और अगर पब्लिक को पसंद आओगे, जैसे आप रियल रहोगे तो आओगे. अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे और जान के कुछ ओवर करने की कोशिश करोगे जो आप नहीं हो, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो जस्ट बी रियल, आई थिंक दैट शुड बी. मास्टरमाइंड जैसे कि मैंने बोला कि मैं देख ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे जो वीडियोस वगैरह दिखती है उसमें विक्की भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वो मेरे फेवरेट आई थिंक, जो जितना रील्स वगैरह में जो मैं देख पा रहा हूँ. जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है. मेरी दो फिल्में रिलीज़ होने वाली है, आई थिंक अभी नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होंगी स्टार्टिंग में. वेब शोज़ रिलीज़ होने वाले हैं दो, तो हम तो काफ़ी चीज़ें होती है ना. टीवी में क्या होता है, एकदम आप शूट करते हो और अगले दिन आ जाता है. वेब शो फिल्म करते तो 6-6 महीने 8 साल भी लग जाते हैं. तो वही बस वेट कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें आने वाली हैं. आई एम श्योर कि फैंस को बहुत पसंद आएगा. थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेल, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ी बात है. ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड है एंड तेलुगु फिल्म के लिए मिला है मुझे. ये मेरी डेब्यू तेलुगु फिल्म के लिए ओ कला, एंड जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. बट बहुत खुशी है कि साउथ इंडस्ट्री में लोग जो है मेरा काम पहचान रहे हैं और पसंद कर रहे हैं उसे, और उसके लिए अवार्ड दिया है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल. और अपने वेल विशर्स को और अपने ऑडियंस को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे शक्ति में दिया है या मेरे कामों में दिया है, नॉट के उतना ही काम आप मुझे इसमें भी देंगे. कल्याण जी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं उनसे पहली बार आज मिली हूँ एंड ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन. बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्वीट स्पोकन हैं, एंड उनके लिए ये मुझे मिला है उनकी तरफ से ये तोहफा. सो थैंक यू कल्याण जी, थैंक यू सो मच. वेल, ये तेलुगु मूवी के लिए ही मिला है मुझे ये अवार्ड, और इसके बाद एक और तेलुगु मूवी आ रही है मेरी, निद्रिंचु जहांपना. आई होप उसके लिए, कोई और अवार्ड के लिए मैं आप लोगों से मिलूंगी जरूर. Thank you. अवार्ड मिला है, सम्मानित किया गया है आपको, क्या बोलना चाहते हैं, आपको अवार्ड मिला? ये जो है वो मेरे को बहुत बहुत, मैं तो पहले कुछ गुजार हूँ कल्याण जी भाई का और पूरे दादा साहेब फाल्के टीम का. और यहाँ पर जो अवार्ड मिला गया है वो एज ए इकोनॉमिक सोशल वर्कर, मैं अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी में हूँ, करीबन 2 टर्म से था उधर, और काफ़ी उधर सरकार ने काम लिए हमारे से, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. बहुत अच्छा लगा यहाँ के. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दादा साहेब फाल्के अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है. मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. आई हैं और बहुत ही नेक इंसान है, काम तो कर ही रहे हैं, काम करेंगे फिर उसके बाद में उसके लिए भी अवार्ड लेंगे. और बिल्कुल आप लोगों के पास आके बताएंगे, बिकॉज आप ये लोग हो जो जनता तक मेरी बात, मेरी आवाज़ हम आप पहुंचाते हैं. कल से ट्रेंड हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप और राखी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है, कहाँ तक सच्चाई है? राखी के बारे में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि वो क्या कर रही है, बट हाँ हमारी बात तो चल रही है. जैसे भी अनाउंसमेंट कुछ भी करना होगा, आप लोगों को हम बुलाएंगे और अनाउंसमेंट ज़रूर करेंगे. तो राखी ने सोशल मीडिया पर डाली है कि मैं जा रहा हूँ, सही बात सही है कि राखी खुद पोस्ट किया है ये बारे में मुझे बिल्कुल नहीं बात करना. राखी जा रही है वो जाने और चैनल जाने. इतना मैं जानता हूँ कि राखी के ऊपर 4-4 फ्रेश FIRs हैं. उन्होंने एक केस में भी बेल नहीं लिया है. जो 67A मेरा जो केस है उसमें तो बिल्कुल उन्होंने बेल नहीं लिया है, बेल मिल भी नहीं रही है. 20th को आर्ग्यूमेंट है पूरी. सर भाई प्लीज़ आओ, हम लोग पूरी जोर लगा रहे हैं कि हमारा आर्ग्यूमेंट हो.
हम लोग बिल्कुल जोर लगा रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट हो और हम न्याय के लिए बिल्कुल लड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है फिर आपका? क्या चीज़ में आप बात कर रहे हो? न्याय बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा वक्त हुआ, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? FIR होने के लिए वक्त हो, FIR आज हो गई है और वो अब्सकॉन्ड है, वो दुबई में है। जैसे वो आती है उसके ऊपर अरेस्ट प्रोसीजर चालू है, तो अब्सकॉन्ड बेल के लिए ज़ोरदार लगातार वो कोशिश कर रही है और हम भी आर्ग्यूमेंट करेंगे 28th को कि 29th को कि उनको बेल ना मिले, बिकॉज वो हैबिचुअल क्राइम बार बार कर रही है। 67A का ये उनके ऊपर दूसरा FIR हुआ है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नहीं, मुश्किलों का सामना तो कुछ भी नहीं है। हमने करीब करीब 40 दिन दिया था और पुलिस को हमने सारे डिटेल्स दिए, सारे सबूत दिए, सारे व्हाट्सएप चैट्स दिए, जितने भी वीडियोस थे, जितने भी गवाह थे, सब दिए। उसके तहत पे ही वो FIR फाइल हुआ है। अब वो लोगों ने भाग रहे हैं बेल के लिए, पर बेल का भी 29th को हियरिंग होगा। हमारी तरफ से कोशिश होगी कि उनको बेल नहीं मिले, पर बेल का मतलब ये नहीं होता है कि आप वो सज़ा से ख़त्म हो गए या आप उसके बाद में कुछ भी कर सकते हो। केस तो केस होता है, तो उन हमारा FIR है, तनुश्री का है, राजश्री का है, तो ये लंबा प्रोसीजर है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। This is I received an award OTT best actor. जिस कैटेगरी में मुझे अवार्ड मिला है वो OTT best actor for the show that I just finished. Grateful Jio Cinemas पे जो शो आ रहा है उसके लिए मेरे को मिला। Grateful OTT का ये पहला अवार्ड है, बहुत खुशी हो रही है। पहला हमेशा स्पेशल होता है, टीवी में बहुत सारे अवार्ड्स मिले। Grateful to that also, क्योंकि टीवी में काम को सराहा गया इसलिए ये हाथ में पकड़ा है, तो इट्स ऑलवेज ग्रेटफुल टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर वर्क। दादा साहब, हाल के आपके लिए क्या मायने हैं आपके लाइफ में? सी द फर्स्ट थिंग इस प्रेस्टीजियस अवार्ड को जब एक आर्टिस्ट को मिलता है, ऐसा प्रेस्टीजियस अवार्ड जब एक आर्टिस्ट को मिलता है तो ना सिर्फ उसका उसके काम को सराहा जाता है, उसके काम की वजह से जितने लोग इंस्पायर होते हैं उसको भी सराहा जाता है। मेरे लिए हर एक अवार्ड बहुत स्पेशल है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि ये कमाया हुआ है मेहनत से, बिना किसी के सपोर्ट से, बिना किसी के। वी आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। हम लोग मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए। सो चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जब वो अवार्ड मिलता है तो वो बहुत स्पेशल होता है। चाहे आज यहाँ मिल रहा है, कल किसको क्या पता, फिल्म फेयर मिले, कुछ भी मिले। एमी अवार्ड्स में एकता मैम को इतना बड़ा अवार्ड मिला है। सो आई फील सब लोग अपना रिलेंटलेसली, एवरीवन इज़ वर्किंग रिलेंटलेसली हार्ड बिहाइंड द कैमरा। सो फॉर द मोमेंट्स लाइक दिस, अपार्ट फ्रॉम जो पैसे मिलते हैं। पिटारा बॉक्स में किसके पिटारा बॉक्स? मेरे पिटारा बॉक्स में लव, काइंडनेस, गुड वर्क, गुड वर्ड्स और एक वार्म हग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया गया। मैं कल्याण जी दाना का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतने बड़े मंच पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया गया। थैंक यू कल्याण जी दाना, थैंक यू वेरी मच। कल्याण जी दाना जो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, वो जो गरीबों की सेवा करते और नए नए लोगों को टैलेंट देते, ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में बहुत कम है। ऐसे व्यक्ति कल्याण जी जाना जैसे हो। यस, मेरा अवार्ड शो होने वाला है, जल्दी होने वाला है, आपको जल्दी इनविटेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सी, मैं सबसे पहले तो कल्याण जाना का बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि जब से मैं कल्याण जाना के साथ में जुड़ी हूँ, उनका इतना बड़ा सपोर्ट रहा है और मैं इस बार ये अपना अवार्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मैं इस लेवल पे हूँ। सो थैंक यू सो मच। और मीडिया, आप लोग तो हमेशा साथ में रहते हो, आपको दिल से थैंक यू यार। ये आज मैं यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ, दिस इज़ फॉर द ब्रांड एम्बेसडर।
थैंक्स, टाइम नहीं है मुझे निकलना। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है कि मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है, और सबसे बड़ी बात कि मुझे यहाँ पे चेयरअप करने के लिए मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है यार मेरे लिए। थैंक यू। नहीं, सी इज़ नॉट सिस्टर एक्टर, जस्ट घर पे है माई मॉम। मेरे पापा CBI में है, तो हाँ मेरी अपकमिंग वेब सीरीज आ रही है, जो कि मैं अभी उनका नाम अनाउंस नहीं कर सकती, लेकिन बहुत जल्दी आप मेरी वेब सीरीज देखोगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सबके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। चूँकि मेरे हाथ में अवार्ड, इसलिए हाथ ऐसे ही जोड़ रही हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है, दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे भी आज ये अवार्ड फाइनली मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, स्पेशली कल्याण जी को, जो हर साल इतना अच्छा ये अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज करते हैं हम सभी आर्टिस्टों के लिए। और चूँकि कलाकार को अच्छे काम के लिए अगर सम्मान मिलता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह मुझे भी जब भी मेरे अच्छे गानों के लिए मुझे अवार्ड्स मिलते हैं तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि और भी अच्छा काम करूँ। और इसमें ओवरऑल उन्होंने सिंगर ऑफ द ईयर एक जो उसके लिए अवार्ड दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जी, सो मैं अपने इंडस्ट्री के सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स, हीरो हीरोइंस, मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मेरे गार्जियन, सबको मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिनके सभी के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, सभी के साथ काम करके यहाँ तक पहुँची हूँ। सो अपने पूरी इंडस्ट्री को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबको, और आगे बस यूँ ही आप सबका, और जनता को स्पेशली सबसे बड़ा थैंक यू, मेरी पब्लिक जो मुझे सुनती है, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, जो मेरे गानों को आप लोग इतना ट्रेंड करते हैं, सुपरहिट बनाते हैं और अच्छे अच्छे गाने को सुनते हैं। जैसे पिया जी की मुस्की अभी रिसेंटली, इसको आई थिंक 200 मिलियंस हो गया। अभी पलकन की छाव, अभी रिसेंटली सेनूर रंग गाना आया है हर हर गंगे फिल्म में मेरा, वो भी बहुत अभी ट्रेंडिंग में है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। जी, जो मेरा सॉन्ग है दो लाइन उसको ही गुनगुनाती हूँ। सिनूर रंग चढ़ले सन के पिया हो, सिनूर गईनी, सिनूर रंग चढ़ले सन के पिया हो, सिनूर गईनी। ये सॉन्ग है, और अभी पलकन की छांव आया था, उसको भी आपने बहुत प्यार दिया कि तोहरा के राखब सजना, पलकन के छाव में जोड़ ले लेवानी तोहर नाव अपना नाव में। ये भी है सॉन्ग पिया जी का, मुस्की तो आपको पता ही कि पिया जी के मुस्की हमरा लागे लाभ जोड़ रे सखी। और तमाम बहुत सारे गाने हैं जो कि अभी और आने वाले हैं मेरे नई नई फिल्मों के, बहुत सारी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में भी आई हैं जिसपे मैंने तमाम मेरे गाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत आने वाले हैं, उसको भी आप यूँ ही प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और चंद्रमुखी 2 फिल्म आई है जो साउथ की, उसमें जो हिंदी वर्जन है जो PVR में भी रिलीज़ हुआ था, उस पर जो कंगना रनौत जी पे जो फिल्माया गया वो मेरी आवाज़ में था, जो लास्ट में है, जो क्लाइमेक्स में एक सीन आता है, मैं दो लाइन आपको सुनाती हूँ, जिन्होंने नहीं सुना है वो ज़रूर जाके सुने, चंद्रमुखी 2 में मेरा सॉन्ग है। और मैं समझती हूँ कि ये सब आप सबके आशीर्वाद से ही हो पाया है। और एक प्यारी द तारा वाली द ट्रू लव स्टोरी हिंदी फिल्म है, उसमें भी मेरा एक सॉन्ग है जो अभी रिलीज़ हो चुका है, जिसके दो लाइन है कि बहुत प्यारा गाना, एक एंटरटेनिंग सॉन्ग है, वो भी रिलीज़ हो चुका है। फिल्म आई थिंक 15-20 दिन बहुत अच्छी चली थिएटर में, PVR में, तो ये सब गाने भी आप सुनिए, और बहुत तमाम गाने भी आने वाले फिल्मों में, उसको आप प्यार दीजिए। थैंक यू नमस्कार। आई थिंक सुपर हिट फिल्म होने वाली है। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू।
आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, यू नो, दादा साहेब फाल्के मिलना. मुझे याद है कि मैंने 2015 में जीता था ये अवार्ड कृष्णदासी के लिए बेस्ट आइकॉनिक रोल के लिए, और उसके बाद अब मुझे वापस मिल रहा है दादा साहेब फाल्के 2023 में. बहुत अच्छा लग रहा है, और ये एक मोटिवेशन भी नहीं है बल्कि एक इंस्पिरेशन है कि मैंने इतने साल इस इंडस्ट्री को दिए और अभी भी इतने साल दे रही हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ मैं इस इंडस्ट्री में रहूँगी. एंड आई लव एंटरटेनिंग. बहुत मायने रखता है क्योंकि सभी जानते हैं कि दादा साहेब फाल्के, अभी मुझे पता चला कि यहाँ इंडिया में मतलब कहीं पर भी दादा साहेब फाल्के का स्टैचू नहीं है. आई थिंक इस पर हम लोगों को सब मिलकर, जितने भी हमारे सिंटा वाले हैं या जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं एज एक्टर्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, तो ज़रूर प्लीज़ सराहना चाहिए इनको, बिकॉज यही सबसे पहले थे जिन्होंने सिनेमा अवार्ड्स मतलब लेकर आए थे, सिनेमा को इंट्रोड्यूस किया था. तो इसीलिए आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स. मैम, आपको बात करें शादी के सवाल, काफ़ी प्यार मिला शो, काफ़ी दिन चला आपको, कितना मिस कर रहे शो के? टाइम ही नहीं मिला मिस करने के लिए, क्योंकि इमीडिएटली अभी मैं ध्रुव तारा कर रही हूँ सोनी सब पर, और उसमें एक रानी सा का रोल कर रही हूँ. बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, और अभी एनिमल भी रिलीज है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा मिस नहीं करती हूँ. आप जो शादी है उसको मिल गया, ये रिश्ता क्या कहलाते हैं? तो आप लोग सब मतलब पूरे टीम के मतलब बोले तो बिजी हो गए. आई थिंक सब लोग बिजी हो गए शादी के बाद. शादी बहुत अच्छा शो रहा मेरे लिए, और मैं चाह रही हूँ कि ध्रुव तारा भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहे, और एनिमल सबसे. एनिमल के बारे में बताएं, मैं क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हूं? मैं रश्मिका की माँ का रोल निभा रही हूँ, और बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छा रोल है. तीन अच्छे सीन्स किए मैंने, और संदीप बांगा रेड्डी की फिल्म है ये. फिल्म करने के लिए मैंने हाँ कही सिर्फ संदीप जी के लिए, और टी सीरीज़ प्रस्तुति है, तो आई थिंक इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा डायरेक्टर के साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. आई थिंक 2023 मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है. हम लोगों ने ये फिल्म की थी 2021 में शुरू की थी हम लोगों ने, और अब जाकर रिलीज़ हो रही है. क्या बात है, बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. पिक्चर जबरदस्त है. यस, थैंक यू. आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और प्यार दीजिएगा. आई थिंक रणबीर ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है. रश्मिका भी बहुत अच्छा काम किया है उसने, और डायरेक्टर तो माशाल्लाह है वो, मतलब ही इज़ टू गुड द डायरेक्टर. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच. थैंक यू. मतलब मैं बहुत ही दिल से बहुत खुश हूँ. ये शो, ये जो अवार्ड है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रीसियस है, क्योंकि ये मुझे और चीज़ करने की, और अच्छी चीज़ें करने की, अच्छी फिल्में करने की एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है. सो मैं और इससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगी. आप क्या कर रही हैं? करेंटली मेरी एक मूवी आ रही है 24 में, सो आई एम बिजी डैट डे. सो ये 24 में रिलीज़ हो रही है, अगेन रिलायंस स्टूडियो, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट फॉर मी, सो आई एम वेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट. ऑफकोर्स पैरल लीड, एंड आई एम लुकिंग फॉर लीड एंड पैरल लीड बोथ. एंड थैंक यू सो मच आप लोग जो हमें कैप्चर करके हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे. एंड थैंक यू सो मच कल्याण जी जिन्होंने आज ये आने का मुझे मौका दिया है. थैंक यू सो मच. सम्मानित किया गया है, ये दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड, जो लेजेंडरी सिंगर मतलब डेफिनेटली सिंगिंग के लिए मुझे दिया गया है. और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कल्याण जी जाना जी का. ये एक अवार्ड उन्होंने मुझे दुबई में दिया था, और एक यहाँ दिया है. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपको आपके काम से अप्रिशिएट किया जाता है, तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है. आपके लिए क्या मायने सर? ये अवार्ड मायने यही है कि हाँ, आप जो मेहनत करते हैं ये उसका मतलब उसका फल है. आपकी मेहनत को एक लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, ये वही है. गाने तो मुझे लगता है कि मैं आजकल हर हफ्ते एक गाना बनाता हूँ, और बहुत सारे गाने
बैंक म्यूजिक मैक में इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन एक एक करके रिलीज़ होंगे। पर अभी जो जी एक फिल्म मैंने की थी, फर्स्ट टाइम एज ए एक्टर मैंने एक पिक्चर की है, टाइगर ऑफ राजस्थान, तो उसमें भी आप मुझे देखेंगे एज ए एक्टर। और म्यूज़िक तो चल ही रहा है, गाने आ ही रहे हैं और आप सबका प्यार मिल रहा है, मीडिया वालों का तो ऑलवेज प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच, मीडिया को स्पेशली थैंक्स। थैंक यू सर, यार बहुत ही बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब भी आप एक आर्टिस्ट की तरह जब भी आप एक अच्छा काम करते हो और लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और आपको अवार्ड मिलता है, तो आपके दिल को बहुत तसल्ली होती है और मन करता है कि आप और भी मेहनत करें और भी अच्छा काम करें। और मेरे लिए ये अवार्ड आज इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ के सामने अवार्ड मिला है और ये मेरा पहला अवार्ड है आफ्टर गेटिंग मैरिड, तो आई थिंक इसमें ज़्यादा खुशी है। और अली भाई सोने पे सुहागा बोला जाए जी, लाइफ में हो रहा है इस साल 2023 में जी, साल के भी अवार्ड भी खड़ा आया, नया दुल्हन घर भी आया जी, एक्साइटमेंट है आप? बहुत एक्साइटेड हूँ, बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ। लकी इसलिए क्योंकि मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई है ना, और खुश इसलिए क्योंकि मुझे ये अवार्ड मिल गया, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत सालों से मैं इंडस्ट्री से दूर था और फिर जब मैंने टेलीविज़न ना करने का फ़ैसला किया और फिर जब मैं वेब सीरीज़ पर आया और अब फिल्म आ रही है, तो आई थिंक एक जर्नी होती है जो मैं देख रहा हूँ। आप मेरे साथ कब से हो, कितने सालों से आपको देख रहा हूँ, तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है जब आप को अवार्ड मिलता है और आप जब चलते चलते हो और ऊपर वाला आपको नवाजता है अच्छे अच्छे काम से और अच्छी अच्छी चीज़ों से। ये आपको मेहनत का रंग बोले, जितनी सारे आपने काम किया, जो मेहनत का रंग बाजार सब फाल के अवार्ड एक बने, आपसे आपके एक आइकॉन है जो नसीब वाले को मिलते जी, आपने एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, मेरा हैट्रिक है। इनफैक्ट मुझे 3 साल हुए वापस कम बैक करते हुए, लॉकअप से फिर से मैं वापस इंडस्ट्री में आ गया हूँ, तो आई थिंक इट फील्स वेरी नाइस, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब और जिम्मेदारी आ गई है कि मुझे अब और कुछ ज़्यादा रिस्पेक्टेबल काम करना है और ज़्यादा कड़क काम करना है, ताकि मुझे और भी अवार्ड्स मिल सके और मैं अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, आप सबको, अपने फैंस को, अपनी वाइफ को और भी प्राउड फील करवा सका। जी यार, मेरा बहुत ही खास दोस्त है बिग बॉस में, है ना, मेरे बहुत ही क्लोज दिल के करीब 3 लोग हैं इस वक्त बिग बॉस में, मुनावर फारूकी, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन, ये 3 मेरे बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त हैं और मुझे पूरा यकीन है कि टॉप 3 भी यही होंगे। तो अब और भी सुनने में आ रहा है कि और भी कुछ गहरे लोग जा रहे हैं, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, मे द बेस्ट पर्सन विन। यार अभी सिनारियो ये सीन ये है ना कि मैं रुका हूँ अपनी पिक्चर के रिलीज के लिए, उसके बाद देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है। यार अब वो शायरी बड़ी पुरानी हो गई है, बस यही कहना चाहता हूँ कि जब आप सिंगल होते हो ना तो आप दिल चले बने घूमते रहते हो, लेकिन असली आशिकी का मजा शादी के बाद ही आता है और यही होना चाहिए। शादी से पहले आप दिल चले बने घूमते फिरो, लेकिन शादी के बाद आशिक बन जाओ, क्योंकि असली आशिकी शादी के बाद ही होनी चाहिए। भाभी जी आप बोलना चाहते हैं? मैं शेरो शायरी में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, बट मैं यही कह सकती हूँ कि अली इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी, एंड इतना ज़्यादा अमेजिंग, रिस्पेक्टफुल, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेटिव, ही इज द बेस्ट मैन एवर, मतलब ही इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड। जरूर जरूर करेंगे, लेकिन ऑलरेडी ऑफर्स आ रहे हैं, पर आई थिंक इस वक्त हम थोड़ा अपना हनीमून फेज इंजॉय करना चाहते हैं और फिर कुछ बहुत ही कड़क लेकर आएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक्साइटमेंट तो बहुत है, दिस इज माय फर्स्ट अवार्ड एंड इट्स अ बिग वन, सो थैंक यू। I'm excited, I'm happy, nervous at the same time.
चुना गया. इट्स अ वेरी ऑनरेबल मोमेंट फॉर मी, वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी. एंड बस थैंक यू, आई एम हैप्पी. अभी फिलहाल तो मेरा एक शो चल रहा है ऑलरेडी, शुमारो उमंग पे एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसके हमारे नए शो के साथ, एंड वो चल रहा है. लेट्स सी फ्यूचर में और भी बहुत कुछ आता रहे. थैंक यू. हाय, हम लोग वी कंपनी डांस ग्रुप है और हम लोग वसे नाला सुपारा से हैं. हम लोग काफ़ी रियलिटी शोज के विनर रह चुके हैं, जैसे कि डांस प्लस, इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 2, और जो डांस मूवी थी ABCD 2, वो भी हमारे ग्रुप के ऊपर कहानी भी पूरी बनी हुई है. एंड यहाँ पे आज पूरा टीम प्रेजेंट है ये अवार्ड रिसीव करने के लिए. एंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, क्योंकि इसका जो हॉनर है वो हमारे लिए, मतलब हम इसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड ग्रेसफुली हम इसे यहाँ से लेके जा रहे. सो वी आर ऑनर्ड दैट कि कल्याण जी ने हमें सपोर्ट किया, हमें यहाँ पर बुलाया एंड हमें इस अवार्ड से सम्मानित किया. सो थैंक यू. एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से, मेरे पूरे कंपनी की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस ओवर. ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इनके थ्रू बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे बड़े बड़े लोग अवार्डेड हुए. तो एज अ डांस ग्रुप हमें ये अवार्ड मिल रहा है इतने सारे डांस ग्रुप्स के बीच में, सो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और ऐसे और सबको आगे और सबक मिलता है और काम करने का वो भी मिलता है करने के लिए. आने से मेरा सपना एक ही है, जितने भी योजना है जो गवर्नमेंट के घर की योजना है सबको मैं करके दूंगा इसके अंदर. देखिए वैसे तो हर अवार्ड इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर किसी अवार्ड के साथ दादा साहेब फाल्के जी का नाम जुड़ जाए तो मुझे लगता है उस अवार्ड की अहमियत एक एक्टर ही समझ सकता है. सो डेफिनेटली दिस अवार्ड मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई थैंक द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने मेरे टैलेंट को इस अवार्ड के ज़रिए रिकग्नाइज़ किया. एंड मैंने अंदर स्टेज पे भी बोला था कि हर अवार्ड जब मैं रिसीव करती हूँ तो मुझे वही खुशी और वही एक्साइटमेंट होती है जब मुझे मेरे पहला अवार्ड रिसीव करने में हुई थी. सो इट्स द सेम टुडे एंड आई एम गोइंग टू टेक इट एज अ मोटिवेशन टू डू मोर, यू नो, टू डू मोर बेटर वर्क and come back next time again to win such a similar award. Kalyan ji, Jena ji ke bare mein kya bolna hai, har kone kone se unke talent nikal rahe hain aur unko haath mila rahe hain jo milne ka award milta hai. Ji absolutely, I think jaise ki maine bola, maine specific naam nahi liya tha Kalyan ji ka, but unko main tahe dil se shukriya karti hu ki unhone jin bhi logo ko aaj yahan pe sammanit kiya hai unme mera bhi naam, unhe aisa laga ki main bhi is cheez ki deserving hu ki aaj wo mujhe yahan Dada Saheb Phalke icon award se sammanit kare. मैं दिल से उनको शुक्रिया करती हूँ और मैं प्रे करती हूँ कि वो ऐसा अपना उनका जो काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहे. मिताली जी, आप हर शो अच्छे से अक्सर बेटियाँ से लेकर के स्टार का शो कर रहे हो, आपके मतलब लक्की चैनल बने थे क्या शो पर लेकर? देखिए आई थिंक ये चीज़ें आप नोटिस करते हैं और आप लोग मेरे नोटिस में लाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद को दूंगी और साथ साथ आप सब जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो देख के जो मुझे प्यार बरसाते हैं मुझ पर उसको दूंगी. बाकी तो मुझे लगता है आशीर्वाद या यू नो आई थिंक ये भगवान ही है बेसिकली जो मेरे ज़रिए ये जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है हर कैरेक्टर का वो निकलवाते हैं. सो जिस तरीके से आप लोग अपना प्यार देते हैं, देते रहिए ताकि आगे भी मैं जो भी काम करूँ वो इसी तरीके से हिट हो और आप सब लोगों की, आप सब लोगों के लिए यादगार बने. पेटरा बॉक्स में कुछ आने वाला मतलब अभी बातचीत चल रही है, थोड़ी सी चूज ही हो रही हूँ क्योंकि सेम रीज़न जैसे कि आपने बोला जो भी मैं करती हूँ वो लोगों को याद रह जाता है. सो आई एम जस्ट बीइंग अ लिटिल चूजी बट आई एम श्योर भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा ही प्लान किया है मेरे लिए. आई एम ऑल्सो वेटिंग समथिंग रियली एक्साइटिंग टू बी ऑफर्ड सो दैट आई कैन गिव यू ऑल अ वेरी वेरी गुड न्यूज सो. थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक मैम. थैंक यू सो मच. दोस्तों मैं ने बहुत मेहनत की आज इस स्टेज तक पहुँचे हैं, जो अवार्ड चल रहे हैं हमें अवार्ड मिला है. मैं मीडिया में हूँ ऑलरेडी, 70 मैगजीन का अकेला एडिटर हूँ मैं. मुझे 60 साल हो गए मीडिया में काम करते करते. सारे मीडिया वाले चले गए, ढेर जाने वाले चले गए. हिट है, हिट है, सुपर हिट है. बरसों के इंतजार के बाद कोई गाली गलौज नहीं करेगा. कोई गाली जिस तरीके से दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको कई बार मिल चुका है, याद भी गलत मोमेंट एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर क्या कहना चाहेंगे? अरमान पूरे हुए सुनील पाल के,
अरमान पूरे हुए सारे सुनील पाल के, क्यों आज मिला है उन्हें ग्रेट दादा साहब फाल्के। मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां तालियां तालियां, जो बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां उसका रणबीर कपूर सपने में आएगा वो एनिमल बन के। जी मूवी आने वाली है, काफी इसकी चर्चा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं। हमने देखा कपिल शर्मा जैसी शख्सियत आपको भाई के रूप में बहुत बड़ा बेस्ट विशेस दिया, सब क्या कर रहे हैं? गाली गलौज जो फिल्म है मेरी आ गई है, रिलीज हो गई है भगवान की कृपा से, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। SRK म्यूजिक, शाहरुख खान की फिल्म, शाहरुख खान SRK नहीं, लेकिन हमारे सौभाग्य की बात है कि उस मंच का नाम भी SRK है। SRK म्यूजिक भोजपुरी में करोड़ों का व्यूज है उस प्लेटफॉर्म पर आई फिल्म गाली गलौज, और जैसा कि आपको बाकी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, फिल्म में एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज भी है कि जो आजकल गाली गलौज हो रहा है समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दर्शक हमारे लिए भगवान है, वो क्राउड नहीं प्राउड है, लीड है भीड़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि दिल दिमाग आंखें आवाज़ नेचर नियत और कंटेंट पब्लिक के सामने हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, यही इस फिल्म का मैसेज है। गाली गलौज जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन है, वैसे गाली गलौज फिल्म में गाली गलौज विलन है। सर आपको सब लोग जानना चाहते हैं, आपको पिक्चर सक्सेसफुल हो गया, सब पार्टी देते हैं सक्सेस के बाद, आपका पार्टी देने लोग जानना चाहते हैं, आप सक्सेस हो गए, सुनील पाल जी कब पार्टी देने वाले हैं, लोग कहना है मेरे को नहीं जनता का। मैं मेरे खास मित्र हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अगले साल हम सबको पार्टी देने वाले, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हाँ सर, जब चाहे आप हमारे मीडिया के जितने माध्यम के मित्र हैं, सब हमारे मित्र हैं, और आपका पूरा अधिकार है, हक है, आप जब चाहे जहाँ चाहे मुझे आदेश करें, मैं तैयार हूँ आपके लिए। आप सब हमारा नाम है रतन नोरा, मीडिया के बिना हम हों अधूरा, क्योंकि यही है हमारे लिए काशी और मथुरा, और जो मीडिया मुझे नहीं छाप रहा वो सरव है धतूरा। बस सबसे पहले सबको नमस्कार, और भाइयों मैं बताना चाहता हूँ कि DPIF ये जो अवार्ड है ये मुझे मिला है आज, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है, और हर एक्टर के जीवन में ये जो मिलना है ना, ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, जब आदमी खूब सारी मेहनतें करके और खूब सारे काम करके कोई सराहा जाता है और मान सम्मान मिलता है तो वो बहुत बहुत खुशी होती है। तो मेरे चेहरे की आज आप खुशी देख सकते हैं, DPIF को, कल्याण जी जाना को और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और देश दुनिया के सभी लोगों को जहाँ तक मुझे देख रहे हैं, जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में खड़े रहना कितना टफ है, लेकिन अगर इंडस्ट्री में कोई एक्टर खड़ा है और काम कर रहा है, किसी न किसी तरह से जुस्तजू कर रहा है, मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और उसके ऊपर से जब सम्मान मिल जाए तो वो उससे बड़ी बात होती है। तो बस आप सब मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दुआएं देते रहें दोस्तों, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि बस ज़िंदगी में जिस क्षेत्र में हूं इसमें कभी कमज़ोर ना पड़ूं, पीठ पे गोली ना मिले सीने पे मिले तो खुशी से मर जाएंगे, बस इसी तरह से इज्जत मान सम्मान मिलता रहे। आप सबका बहुत सारा प्यार आभार दुआएं बनी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। अवार्ड सम्मानित किया गया आपको, कैटेगरी में कैसा अवार्ड दिया? अभी मुझे ऐसे इंसान को कौन सी कैटेगरी में इनाम दिया जाएगा, जो मुझे आता है वही कोरियोग्राफी के माध्यम से मुझे बुलाया गया, और उसी के वजह से अपनी रोजी रोटी चल रही है। तो मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ ज़िंदगी में कुछ करने का, और बस उसी के मोहब्बत से लोग बुला लेते हैं, और कल्याण जी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है तो ये मुझे हमेशा बुलाता है और अवार्ड फंक्शंस में बुलाते रहते हैं, और तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और हम जैसे जो कैमरा के पीछे होते हैं कोरियोग्राफर, उनको भी मौका मिलता है कि पता आगे लाने का, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू दिस दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स 2024 आई गेस। और एक और माइक ऐड हो चुका है मेरी खिदमत में। तो कितना एक्साइटमेंट है आपको दादा साहब फाल्के से आप लोग सम्मानित किया गया था? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक अवार्ड किसी इंसान के लिए एक बहुत वैल्यू रखता है, और आप किसी को एक छोटी सी चाय भी पिला देते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और अवार्ड तो फिर तो मतलब बहुत ही बड़ी बात हो गई।
ऐसा थैंक यू 2023 का अवार्ड मिला है। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड मुझे मिला है दादा साहब फाल्के। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ इस मंच का, इस अवार्ड का, जो मुझे इस लायक समझा कि मैं अवार्ड के लायक हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात। दादा साहब अपने आप में कितना मायने आता है, देखिए हर अवार्ड उसकी खूबसूरती अलग होती है, लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड लेना एक एक्टर, एक आर्टिस्ट को बहुत बड़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है, जो उनका ड्रीम होता है। ये मेरा ड्रीम कम ट्रू है जो इस अवार्ड से मुझे सम्मानित हुआ मिला है। और ये मुझे इतना ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं, जैसे इनको पता चला मैं जा रहा हूँ ये स्टेज छोड़ के भाग के आ गए। क्या बात सर। जेना साहब बहुत सक्सेसफुल हुआ दादा साहब फाल्के अवार्ड, हमेशा की तरह इस बार भी आपको कामयाबी जैसे मिल रहे, कितने एक्साइटमेंट होते कामयाबी? मैं एक्साइट तो हाँ याद आ जाओ, एक्साइट के साथ साथ में मैं सबसे बड़ा मीडिया का मनोमन करता हूँ। जिस तरीके से मीडिया 2 बजे से लेके रात को 10 बजे तक है, ये प्यार है, साढ़े ग्यारह ये प्यार है। ये तुम ठीक है, शो तो होते रहता है, लेकिन मीडिया रुकना इस गरीब आदमी के लिए वो सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले मीडिया का नमन करता हूँ मैं। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मीडिया इतना बड़ा रोल प्ले करती है किसी इंसान की ज़िंदगी में, बिकॉज आप ही लोग हो जो हमारी आवाज़, हमारी बातों को जनता तक पहुंचाती है। तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम लोगों की ज़िंदगी में। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग आपका वक्त निकाल के आप भूखे प्यासे जाते हो, कुछ चीज़ों को कवर करते हो। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि हर हमेशा आप लोगों को अप्रिसिएशन सबसे पहले करना चाहिए, बिकॉज आर्टिस्ट तो 10 मिनट के लिए आता है, लेकिन आप 10 घंटे तक इस जगह पे रुकते हैं। क्या बात है, समझ के आपने सामने बोला, इसके लिए हमारे तरफ से आपको थैंक यू शुक्रिया अदा। और इस तरह आप प्रोग्राम करते हैं, हमने देखा लाखों लोग आए, जितने लोग भी आए सबने आपको तारीफ करके गया कि अवार्ड तो बहुत मिला है, पर दादा साहब फाल्के जेना साहब जैसे कोई नहीं, क्या खासियत है, आप क्या इसे करते हैं? खासियत ये है मैं बस मोहब्बत करता हूँ। देखिए आज दोनों भाई यहाँ पे हैं जो मेरे दुबई में थे, और वर्णन देखो पूरा टीम को लेके नाला सुपर से आए हैं, और तमाम मैं सबसे पहले मेरी वाइफ को मैं नमन करता हूँ, सिमरन के टीम को मैं नमन करता हूँ, और साथ में मेरे DPI के टीम, मेरे तमाम जो DPI के टीम है, मीडिया है, मेरा आदिल भाई, मेरा हाजी भाई, खालिद भाई, उसके साथ साथ में KK ग्रुप, इसके अलावा त्रिवेणी बिल्डर, ये तमाम जो लोग हैं सभी को मैं नमन करता हूँ। यहाँ पे सबका लगा हुआ है, और यहाँ पे बैक टू बैक मेरा शो का रखा हुआ है। द 24th January भारत गौरव आइकॉनिक अवार्ड है, द मिनिस्टर MP एंड MLA गोल्ड अवार्ड ये दिल्ली है, 24th February को आसाम गुवाहाटी में है मेरा, जहाँ पे 24th को हम श्री दादा साहेब फाल्के जी का मैं स्टैचू का वहाँ पे करेंगे उद्घाटन, 7 फुट का। 110 साल हो गया हमारी बॉलीवुड को, लेकिन आज तक हिंदुस्तान में कहीं भी दादा साहेब फाल्के का स्टैचू नहीं है, तो वो 24 हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। 24th February ये स्टैचू को हम निवारण करने जा रहे हैं 24th को गुवाहाटी में, आसाम में। इसके बाद 24th May को फिर से दुबई है मेरा, दादा साहेब फाल्के जो तीसरी बार मैं कर रहा हूँ, इस बार धमाल होगा। और ये जो शो है, ये जो मेरे पीछे जो लोग लगा हुआ, ये देख के मर जाएगा, ये जो शो जो है ये देख के उन लोग जल जाएगा, तो मैंने इसलिए रखा हूँ। सुबह मेरा शो हुआ था मुंबई पुलिस आइकॉन अचीवर अवार्ड, मैं तमाम मुंबई पुलिस को मैं नमन करता हूँ, काफ़ी लोग आए थे, इन सभी मुंबई पुलिस को मैं नमन करता हूँ, सभी को मैं नमन करता हूँ, अच्छे अच्छे मुंबई पुलिस ऑफिसर आए। शाम को दादा साहेब फाल्के कम आए लेकिन अच्छा आए, मैं सिमरन की टीम को मैं नमन करता हूं इसके लिए, और मेरे टीम को मैं नमन करता हूं। थैंक यू सो मच कमाल भाई, थैंक यू सो मच, और बजाता बोले तो ज्यादा अच्छा वो चलेगा नहीं, थैंक यू। नाम से रेमो सर ने फिल्म बनाया था जिसका नाम है ABCD 2। इसके साथ में ये ग्रुप ने जिस तरीके से इंडिया के डांस को बाहर गांव में रिप्रेजेंट किया, इंडियाज गॉट टैलेंट तो जीता ही है यहाँ का, अमेरिका गॉट टैलेंट में भी जीता,
और वर्ल्ड में नाम कमाना, देश के लिए नाम कमाना, देश के नाम को वहां तक लेके जाना, और क्या चाहिए। और मैं इस ग्रुप को सम्मान करता हूँ, बिना खा के बिना पानी पी के जिस तरीके से इन्होंने अपनी ग्रुप बनाया, उसके बाद आज वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ मैं वर्णन को, उसकी ग्रुप को, जिस तरीके से काम कर रहे हैं। और इनको देख के नाला सुपारे के बच्चे लोग आज डांस कर रहा है, और डांस भी कंपनी को जिस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं, और मैं भी फॉलो करता हूँ। क्योंकि जब 2012 को जब इन्होंने शो में आए थे इंडियाज गॉट टैलेंट में, तभी मैं वहाँ पे क्रू मेंबर था इंडियाज गॉट टैलेंट का, तो मुझे पता है वर्णन के दोनों और एक भाई थे, दोनों साथ में वो करते थे। आज वर्णन अकेला है, कोई नहीं, इनका ग्रुप एक साथ है, मैं हूँ तेरे साथ, चिंता मत कर तू। और वर्णन को मैं वादा किया, जो भाई कल्याण जी जब भी शो करेगा तुमको बुलाएंगे, और इस बार बोला था तुम टीम को लेके आना, क्योंकि टीम है तो तुम हो, इसलिए टीम सबसे बड़ा होता है। थैंक यू सो मच वर्णन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, तालियां हो जाए वर्णन के लिए। बहुत प्रेस्टीज है हमारे लिए मूवमेंट, एंड थैंक यू सो मच कल्याण जाना, हमेशा हमेशा हमें याद करते, हर मोमेंट में याद करते, कभी भी कुछ भी रहेगा तो टेक्स्ट करते, बुलाते, तो थैंक यू सो मच। एंड आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो, एंड सबको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो, हर किसी को इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। एंड जब जब आप बुलाओगे हम हमेशा, थैंक यू। तो मुझे बोलना है आपका पूरा, आपने स्टूडियो दे दिया मुझे शूटिंग करने के लिए, उसका पोस्टर वहाँ लगा हुआ है, तो थैंक यू, थैंक यू वंदन, थैंक यू। एसीपी साहब आइए। अरे सर, तो गाने का नाम ही बताओ, गाने के बारे में बताओ, क्या सस्पेंस रखे आपने। इस मुंबई पुलिस का नाम तो हर जगह पे रहता है, मैं हमेशा ऑल इंडिया में मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती हूँ बाहर, तो मुंबई पुलिस का नाम देखकर ही लोग डर जाते हैं। मुंबई पुलिस बोले तो हमेशा यहाँ पे ऑफिसर लोगों का जो काम है वो पूरे इंडिया में कहाँ का, मतलब कौन ऐसा काम नहीं कर सकता। मुंबई पुलिस ऑल इंडिया में ही नहीं तो ऑल वर्ल्ड में फेमस है। और रही बात की यहाँ का, आपने जो हमें सम्मानित किया है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और थैंक यू सो मच। और हमारे परिवार के साथ आपने जो हमें आज मौका दिया, इसके लिए भी हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे परिवार को भी आपसे आपका प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे आज आपके बेटे इतनी कामयाब हो गए कि अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, तो कितना प्राउड फील कर रहे हैं। अभी मेरे को हिंदी तो आता नहीं, मराठी में बोलते, अतिशय आनंद झालेला आहे। पण दुसरी गोष्ट, ह्या मुलीना ह्या तिच्या शिक्षणाबद्दल किंवा ह्याच्याबद्दल मला कुठलेही कष्ट घ्यावं लागलं नाही, हिच्या पायावर हिनं स्वतः काम करत शिकली आणि ह्या पदाला पोचली। पहिली तलाठी झाली, तिला दोन कॉल आले होते, जेलरचा आणि इन्स्पेक्टरचा। ज्या वेळेला तलाठ्याचं काम केलं, तिनं कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 5 महिने काम केलं तलाठ्यास, म्हणजे आमचा हिला पैशा अडकायचा जास्त सपोर्ट नाही, थोडंफार दिले पण पूर्ण आमचं नाव काढलं। आज गावात जर मी गेलो तर रामभाऊजी, माझं नाव रामदास, रामभाऊ ओळखतात मला, रामभाऊजी मुलगी असं म्हणण्याऐवजी मॅडमचे वडील म्हणतात मला, फौजदाराचा वडील, म्हणजे हिच्यामुळं मला नाव आणखी जास्त मिळालं, बस एवढं मला बरं वाटलं। धन्यवाद। जनता का संपर्क और पुलिस का जो है, मतलब इसमें बहुत एक्टिविटी होती है, और मुंबई पुलिस में मैं हूँ इसका मुझे गर्व है, इससे कुछ कहना नहीं चाहता। थैंक यू। कल्याण जी तो बहुत आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं, और उन्होंने जो ये अचीवमेंट अवार्ड प्रमोशन रखा है उसकी मुझे प्रशंसा करनी चाहिए। थैंक यू। मुंबई पुलिस इतने बड़े बड़े काम करती है और ऐसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, उनका बहुत खुशी की बात है और बहुत गौरव होता है। थैंक यू। काम करते ही है, लेकिन मुंबई पुलिस के जो बच्चे होते हैं, उनकी बीवियां होते, वो लक्ष्मी पूजन हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, गणपति हो, आपके घर में आप जोड़ी के साथ, आम जनता जोड़ी के अपने अपने हस्बैंड के साथ मनाते हैं, हम अकेले ही पूजा करते हैं, ये उनका बलिदान रहता है। और दूसरी गोष्ट, दुख तो होता ही है बहुत, बट खुशी होती है।
आप आम जनता रक्षा में वो लगे रहते हैं, तो इस बात का हमें गर्व है और कल्याण जी को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि पूरे परिवार के साथ उन्होंने इनको सम्मानित किया है, मुंबई पुलिस के परिवार को भी सम्मानित किया है। थैंक यू सो मच। फाउंडर चेयरमैन श्री कल्याण जी जाना जी का सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और आज चतुर्थ वर्ष में वेस्ट एस्ट्रोलॉजर का सम्मान देने के लिए दादा साहब फाल्के एनजीओ के सभी फाउंडर चेयरमैन का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में इंसान को अगर प्राप्त होता है तो उससे और भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि सम्मान समाज के लिए जागृत करने के लिए, समाज में अच्छे संदेश देने के लिए और भी कार्य बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सदैव आप सभी जो अच्छे कार्य करते हैं उनका साथ सब साथ देते हैं और आप हमारे हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ हैं। अगर आप ना हो तो यह देश में अच्छे लोगों का लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगा और अच्छे लोग रह ही जाते हैं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।